हेलो गाइस, सवाल है इन सेल किसी सेल में द सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इज ब्राउट अबाउट बाय द एंजाइम डीएनए हेलिकेज। अगर किसी सेल में हमें डीएनए को सेपरेट करना है तो हम हेलिकेज एंजाइम का यूज करते हैं, करते नहीं करते हैं? जबकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जब डीएनए का सेपरेशन करते हैं तब हम किस चीज का यूज करते हैं वो हमें बताना है। तो पीसीआर हम सबने पढ़ रखी है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है और इसमें तीन स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन होती है हाई टेम्परेचर पर और इसमें क्या करते हैं हम, दो स्ट्रैंड जो डीएनए के हैं उनको खोलते हैं। किसकी मदद से? हाई टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है इस वजह से ये डीएनए के स्ट्रैंड आपस में ये खुल जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, है ना? तो हम किसका यूज करेंगे? हाई टेम्परेचर का। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा। टू सेट ऑफ प्राइमर का यूज हम इसमें नहीं करते हैं, ये तो हम एनीलिंग में करते हैं, इसमें एनीलिंग स्टेप में। फिर है टैग पॉलीमरेज या थर्मस एक्विटस बैक्टीरिया से जो पॉलीमरेज निकाला था जो हाई टेम्परेचर पे काम करता है पॉलीमराइजेशन का, किसका? पॉलीमराइजेशन का। इसका यूज करते हैं हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में, यानी कि यहाँ पर पॉलीमराइज करने के लिए हम यूज करते हैं टैग पॉलीमरेज का, जबकि हाई टेम्परेचर डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट कर देता है। डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा। थैंक यू।